हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे LLP की, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फ्रेंड, हाल ही में एक सर्कुलर आया, गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और उससे रिलेटेड जो वर्क होता है वो LLP कर सकती है। हाँ फ्रेंड, पहले गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया था कि नहीं, LLP नहीं कर सकती मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड वर्क। पर हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया, रद्द, एक सर्कुलर आया, क्लैरिफिकेशन आया गवर्नमेंट का, जिसमें उसने क्लियर किया है कि नहीं, अब वो अलाउ कर रही है। सो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी यूं ही GST इनकम टैक्स कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ। सो जैसा कि आप देख रहे हो, LLP का अगर आप एक्ट देखो तो LLP के एक्ट में सेक्शन 2E देखोगे तो वहाँ बताता है कि LLP कौन सी बिजनेस कर सकती है। तो बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, यानी हर तरह का ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ तो ये क्लियरली बोल रही है सारा टाइप का बिजनेस इंक्लूड कर रही है। पर MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्या किया, उन्होंने क्लियरली एक बहुत पहले बताया था कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज़ क्लैरिफाइड दैट बिजनेस एक्टिविटी टू बी कैरड आउट बाई द LLP टू एक्सक्लूड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, LLP का जो बिजनेस है वो एक्सक्लूड करता है मैन्युफैक्चरिंग और एंड अलाइड एक्टिविटी, यानी मैन्युफैक्चरिंग उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आप LLP बना के नहीं कर सकते, आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, अलग बनाना पड़ेगा, पर LLP में ये बिजनेस अलाउड नहीं है। एज पर सेक्शन 2(1)(e) ऑफ द LLP एक्ट 2008, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड एक्टिविटी हैव बीन पॉजिटिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन, यानी बोल के इसके एक्सक्लूड किया जा रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और अलाइड सर्विस जो होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो LLP नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने ये क्लियरली कह दिया। अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP एंड कन्वर्शन इनटू LLP विद द प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज आर नॉट टू बी अलाउड। और ये भी कह दिया कि अगर आप LLP बनाना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को LLP फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड सर्विस आप नहीं कर सकते LLP में। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत पहले क्लियर किया था, पर अभी लेटेस्ट की मैं बात करूँ तो लेटेस्ट हाल ही में गवर्नमेंट की, अभी अगर आप जाओ वेबसाइट पर, दैट इज़ www.mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की जो वेबसाइट है, वहाँ न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो शो होता है वहाँ क्लियरली बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन LLP अलाउड कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड एक्टिविटी वेयर रिस्ट्रिक्टेड इन LLP वाइड, वो जो आया था सर्कुलर उसके बारे में बताया गया, डेटेड दिस OM इनवोकिंग द रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड एक्टिविटी हैज़ बीन विदड्रॉन विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी जो पुराना जो क्लैरिफिकेशन आया था उसको हाथों हाथ गवर्नमेंट हटा रही है, यानी अब से आप अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना चाहते हो, आप LLP फॉर्म में हो और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या आप एक LLP बनाना चाहते हो और उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये था लेटेस्ट अपडेट LLP से रिलेटेड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। दिस इज CS मनीषा साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय। आप लोग के मन में ये सवाल आया होगा कि OM लिखा हुआ है यहाँ पर, ये OM क्या होता है? फ्रेंड, OM का मतलब होता है ऑफिस मेमोरेंडम। आप लोग जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए अलग अलग मोड यूज़ करती है, कभी नोटिफिकेशन, सर्कुलर, कभी ऑफिस मेमोरेंडम। सो अलग अलग केसेस में ये वराई करता है कि कब नोटिफिकेशन जाएगा, कब सर्कुलर जाएगा, कब ऑफिस मेमोरेंडम जाएगा। इसका एक प्री डिटरमाइंड रूल है, सेट ऑफ रूल्स है, वो मैं किसी फिर दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। LLP, this is CS Manisha signing off, thank you, bye।